Hello friends, welcome to your physics class. Now you are watching. If you are new to our channel or yet not subscribed, please press subscribe button and hit bell icon this will help us remain in YouTube algorithm. Thanks for subscribing. To paragraph 6.7 Harmonics and Overtones When a string or an air column is set into vibration by some means,

तो ये बार बार रिफ्लेक्शन रि रिफ्लेक्शन लगातार चलते रहने की वजह से यहां पर स्टेशनरी वेव क्रिएट हो जाती है ठीक है इसी प्रकार से जब हम एयर कॉलम में वाइब्रेशन सेट करते हैं तो एयर कॉलम में भी स्टेशनरी वेव क्रिएट हो जाते हैं इसके पीछे भी रिफ्लेक्शन रि रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव ही रिस्पॉन्सिबल है राइट एन इंपॉर्टेंट कंडीशन टू फॉर्म स्टेशनरी वेवस डिपेंड्स ऑन द बॉडी कंडीशंस डेट कंस्ट्रेंट द पॉसिबल वेवलेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस्टम फ्रेंड्स अगर हम केयरफुलिस सिस्टम को देखें तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट आपको नजर में आ रहे हैं इस डायग्राम के अंदर में देख रहे दो रिजिट सपोर्ट ये यहाँ पे कंस्ट्रेंड है दोनों रिजिट होने की वजह से दोनों ही जगह पे आपको नोड नजर आ रहा है क्लियर है अगर इस सिस्टम को देखे तो यहाँ पे एक एंड फिक्सड है तो अदर एंड फ्री टू मूव है तो जहाँ पे फ्री टू मूव एंड आपको मिलेगा वहाँ नोड नज़र में आ रहा है सेम बात अगर हम करें एयर कॉलम में तो यहाँ पे दो प्रकार के एयर कॉलम होते हैं फ्री एट बोथ एंड्स एंड क्लोज एट वन एंड ये एयर कॉलम है एक पाइप है दरअसल जो दोनों ओर से ओपन है जिसे आप ओपन पाइप बोलोगे यहाँ अगर हम ट्विनिंग फॉर को वाइब्रेट करें तो इस प्रकार का पैटर्न आपको नज़र में आएगा ये सभी के सभी पैटर्न्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इन सब में ओपन एंड पर एंटी नोड ही मिल रहा है एंटी नोड मिलने के पीछे की वजह हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर एयर फ्री टू मूव है इसीलिए यहाँ पर एंटी नोड बनता है लेकिन क्लोज पाइप के भीतर क्लोज एंड पर रिजिड बाउंड्री तो वहाँ पर हमें नोड मिलता है क्योंकि वहाँ की एयर फ्री टू वाइब्रेट नहीं है नॉर्मल मोड ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम इज द मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम मूव साइनोसाइडली विद द सेम फ्रिक्वेंसी फ्रेंड्स अगर हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के ऊपर का प्रत्येक पार्टिकल साइनोसाइडली मूव कर रहा है विद सेम फ्रिक्वेंसी तो इस नाते स्ट्रिंग के ऊपर बनने वाले सभी मोड्स नॉर्मल मोड्स हैं देर आर इन्फाइनाइटली मेनी नॉर्मल मोड्स एंड ईच विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन पैटर्न राइट तो कुछ पैटर्न आपको स्क्रीन पर नजर में आ रहा है ये फर्स्ट नॉर्मल मोड है ये सेकेंड नॉर्मल मोड है ये थर्ड और ये फोर्थ और इससे अनगिनत नॉर्मल मोड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलरली आप ऐसे ही नॉर्मल मोड्स एयर कॉलम्स में भी देख सकते हो उनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज और वेबलेंथ होंगी

जो वेवलेंथ होता है इन मोड्स का उसका जनरल फार्मूला है लेमडा इज इक्वल टू ट्वाइस एल बायन फ्रेंड्स यहाँ पे जो यल है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है टोटल लंबाई उसकी और यन है वो नंबर ऑफ लूप समझ लीजिए या नंबर ऑफ मोड को समझ लीजिए दोनों का मतलब एक ही होगा तो पहले मोड के अंदर में जो वेवलेंथ आ रही है वो आ रही है ट्वाइस एल सेकेंड मोड में आ रही है ट्वाइस एल बाई यल मतलब यल और थर्ड मोड में दिखाई दे रही है ट्वाइस एल बाई थ्री एंड फोर्थ में दिखाई दे रही है ट्वाइस एल बाई फोर मतलब एल बाई टू तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो सबसे बड़ी वेवलेंथ जो मिल रही है वो फर्स्ट मोड में मिल रही है वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसलिए लार्जेस्ट वेवलेंथ वाला मोड का ही लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होना चाहिए तो जो फर्स्ट मोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसी का फ्रिक्वेंसी लोएस्ट है और इसकी फ्रिक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहेंगे एंड करस्पॉन्डिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। द हायर पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज आर कॉल्ड ओवरटोन्स और ये सभी के सभी मोड्स की फ्रिक्वेंसीज को हम ओवर कहेंगे सेकेंड मोड की फ्रिक्वेंसी को हम फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को, को हम बोलेंगे सेकंड ओवरटोन इसे हम बोलेंगे थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से बड़ी फ्रिक्वेंसी के किसी भी साउंड को हम ओवरटोन्स कहेंगे लेकिन उन्हीं ओवरटोन्स को हारमोनिक्स कहा जाएगा जिन ओवरटोन्स की फ्रिक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो जैसे कि आप फर्स्ट ओवरटोन की तरफ देखिए फर्स्ट ओवरटोन का जो फ्रिक्वेंसी है वो फंडामेंटल दुगना है मतलब टू टाइम्स या तो ये हो गया हमारा सेकेंड हारमोनिक अब सेकंड ओवरटोन की बात करते हैं सेकंड ओवरटोन का जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्री टाइम्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है इसीलिए इसकी फ्रिक्वेंसी को भी हम बोलेंगे थर्ड हारमोनिक अगर यहाँ तो स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं है कि दो के बीच में कोई और फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो यदि कोई फ्रिक्वेंसी जो फंडामेंटल से तो बड़ी है लेकिन वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है ऐसे ओवरटोन को आप हारमोनिक्स नहीं बोलोगे मतलब ये ओवरटोन तो रहेंगे लेकिन ये हार्मोनिक्स नहीं रहेंगे क्लियर है इन स्ट्रिंग एंड एयर कॉलम द फ्रिक्वेंसीज ऑफ ओवरटोन्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज हिंस देस तो इसका मतलब है ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हारमोनिक थर्ड हारमोनिक फोर्थ हारमोनिक सोनम ऐसा ले सकता है बट ऑल हारमोनिक्स बी प्रेजेंट इन द साउंड सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट में रहेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है मतलब आपको साउंड में सुनाई देंगे जरूरी नहीं है द ओवरटोन्स आर ओनली दोज मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसेज विच कैन एक्चुअली प्रेजेंट इन द गिवन साउंड द हारमोनिक्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द साउंड सो प्रोड्यूस्ड उम्मीद है दोस्तों आज का विषय आपको समझ में आ गया पसंद आए तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले यदि आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना आपका हर कमेंट पढ़ा जाता है क्योंकि आप हमारे लिए खास है तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में बाय